अक्षय कुमार की राह चले शाहिद कपूर, करण जौहर की इस खास फिल्म में आएंगे नजर। हिंदी सिनेमा जगत में कलाकार एक के बाद देशभक्ति पर आधारित फिल्मों को साइन कर रहे हैं। अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, अजय देवगन जैसे कलाकारों की फेरिस्त में अब शाहिद कपूर का भी नाम जुड़ गया है। जानकारी के अनुसार आने वाले समय में वे धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने जा रही एक देशभक्ति फिल्म में नजर आएंगे। करण जौहर ने अभी इस फिल्म के लिए अभिनेता के तौर पर शाहिद को कास्ट कर लिया है। अभी तक फिल्म में सिर्फ शाहिद कपूर की ही एंट्री हुई है, दूसरे कलाकारों को फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि शाहिद जर्सी फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद इस फिल्म की तैयारियों में लग जाएंगे। धर्मा प्रोडक्शंस के इस फिल्म की जुड़ी ताज़ा जानकारी के अनुसार इस फिल्म का निर्देशन एक नए निर्देशक द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि धर्मा प्रोडक्शंस 21 फरवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप का निर्देशन भी एक नए निर्देशक भानु प्रताप सिंह कर रहे हैं। इससे पहले भी करण जौहर के इस प्रोडक्शन हाउस ने करीब एक दर्जन से अधिक नए निर्देशकों को मौका दिया है। शाहिद कपूर की मौजूदा फिल्म जर्सी की बात करें तो इस फिल्म का निर्माण भी धर्मा प्रोडक्शंस ही कर रही है। फिल्म का निर्देशन गौतम तिनानूरी कर रहे हैं। उन्होंने ही तेलुगु फिल्म जर्सी का निर्देशन किया था। इस फिल्म में शाहिद एक क्रिकेटर की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर भी अहम रोल अहम किरदारों में हैं। यह फिल्म इस साल 28 अगस्त को रिलीज हो सकती है। गौरतलब है कि शाहिद कपूर पिछले साल फिल्म कबीर सिंह में नजर आए थे। यह फिल्म तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की आधिकारिक हिंदी रीमेक थी। यह फिल्म पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक है। देखना दिलचस्प होगा कि जर्सी को बॉक्स ऑफिस पर कैसी सफलता हासिल होती है।